all the same. Now some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take blame. Even when you are blowing up. मैं दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक जो मेरी तरह रोज सुबह अपने घर से उठ के आते हैं और दूसरे जो यहीं पर रिहायश पजीर हैं उनको हॉस्टलेट्स कहते हैं। वर्कशॉप में इस तरह होता है कि अटेंडेंस के बाद हम अपने ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। हमें कोई ना कोई टास्क असाइन होता है और इस वर्कशॉप में हमें इलेक्ट्रोफिटिंग का टास्क असाइन है। वो हमने क्या करना, एक मेटल की डिस्क नहीं है, ये एक प्लेट सी है, इसके ऊपर निकल की प्लेटिंग करनी है। वैसे होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें एक साइड पर निकल डिप किया होता है, एक साइड पर ये प्लेट होती है और उससे करंट गुजारता है थोड़ा सा, तो उस पर निकल डिपॉजिट हो जाता है। हमसे पहले एक ग्रुप गया वो पीछे टॉपिंग वाला, उसके बाद हमारी बारी है। लास्ट टाइम हमने ना डिसअसेंबली की थी चीज़ों की, मुख्तलिफ दो चीज़ें थी, एसी कंप्रेसर गाड़ी का जो होता है और अल्टरनेटर जो बैटरी चार्ज करता है, उसकी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ना इसलिए। It's all the same, but some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my broken love. Nobody's gonna save me. Oh my broken. Before after check करें. अच्छा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें ये है हमारा एनोड जो कि प्योर निकल से बना हुआ है और इस पर चार्ज है पॉजिटिव। इस वायर से चार्ज सप्लाई किया जा रहा है जो कि एक डीसी सोर्स से कनेक्टेड है। इस तरफ फाइन, तो ये हमारा कैथोड है नीचे जो कि इसमें डिप्ड है और ये हमारी वही मेटल प्लेट है और इसको हमने चार्ज सप्लाई किया हुआ है नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट लिक्विड के अंदर से ऐसे फ्लो कर रहा है और ये वाला निकल डिपॉजिट होता जा रहा है इस प्लेट पर भी और इस प्लेट पर भी। वैसे मेरा नहीं ख्याल है कि इसका प्योर होना ज़रूरी है, लेकिन इस केस में प्योर है। अच्छा जी, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद थोड़ा सा पेंट किया, डिफरेंट कलर्स को मिला के नया कलर बनाया, मुलाहिजा फरमाएं। All the same, but some things never change. I couldn't stop and say no. Zindagi se koi shikwa nahi hai. Ab to zinda hoon main isliye aasman. अच्छा, ये हमारी वर्क यहाँ पे स्टार्ट होती है वर्कशॉप। ये सारा केमिकल वाला काम वाला एरिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। उससे आगे आ जाएँ, ये इलेक्ट्रिकल वालों का एरिया है, वो मोटर्स शॉटर्स पड़ी होती हैं। उससे आगे चले जाएँ, वहाँ से मैकेनिकल का काम शुरू हो जाता है, ये वर्क टेबल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उससे आगे फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये सेफ्टी का एक पुतला है कि आपको इस तरह का होना चाहिए, लैब में आते वक्त लेकिन होता कोई नहीं था। उसके बाद ये ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पर हमारा वर्क पीस होता है, ऊपर से ड्रिल घूमता है, और ये लेथ मशीन है, इसमें वर्क पीस घूमता है लेकिन ड्रिल अपनी जगह पर रहता है। चले जाएं तो यहाँ पर फैब्रिकेशन वगैरह, ये क्रेन ऊपर बड़ी सारी है, वो एंड तक जा सकती है। आपके चंद गाड़ियाँ जो कि इधर इस वर्कशॉप में ही बनी हैं, ये इलेक्ट्रिक है टोटली, ये जो कोरे टाइप गाड़ियाँ है लगती मेटल की है लेकिन है फैब्रिक है, कोई प्लास्टिक है मेरा ख्याल है।
और ये सोलर पे चलती है, ये बल्कि एक्चुअली यूज़ भी होती है वाली गाड़ी नस के ट्रांसपोर्ट के लिए। बाद हमारे एक फायर अलार्म की प्रैक्टिस हुई, इसमें इस तरह होता है कि फायर अलार्म बजता है, हम सारे भागते हैं बाहर, वहाँ पर जाके आग बुझाते हैं, ये वो सारा कुछ, वो भी मुलाहिजा फरमाएं। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's a different thing. एसी कंप्रेसर वाली मैं बात कर रहा था, वो किसी और ग्रुप ने काम किया, उसकी वीडियो मैंने ले ली थी, वो भी देख लें। पता चले कि ये मेरी शार्क पुली बेल्ट सिस्टम से कनेक्टेड होती है और साथ रोटेट कर रही होती है, इसकी रोटेशन की वजह से ये वाला पार्ट भी रोटेट करता है। रोटेशन के दौरान ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वाली मेटल प्लेट्स इसके साथ बिल्कुल टच होती हैं, और जब यहाँ से जब ये मूव करता है यहाँ तक, तो ये वाला वॉल्यूम कम होता जाता है। इसके कम होने की वजह से यहाँ पर एयर इंतहाई कंप्रेस हो जाती है और साथ ही यहाँ पर प्रेशर वाल्व के ज़रिए बाहर चली जाती है। उसके बाद अब हमारी है मैथ्स की क्लास, अब हम सीधा वर्कशॉप से उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, मैथ्स की क्लास वर्कशॉप के फ़ौरन बाद होती है, तो बच्चे हेलमेट और टूल बॉक्स में ही क्लास में आ जाते हैं। काफ़ी पैक था, इवन ब्रेक में भी हमारा एक सेशन था, सोसाइटी में ज्वाइन किया उसका। हाँ, सोसाइटी से ज़्यादा डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं वो काम करने के लिए जो कि पढ़ाई के अलावा हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स, डिबेट्स, कोई भी साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह हों, या कोई इंटरनेशनल या नेशनल कॉम्पिटिशन हों, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है सोसाइटीज़ मैनेज करती हैं। बस यही था सोसाइटीज़ के बारे में। और ये हमारे साथ खड़े हैं पिंडी बोर्ड के टॉपर, पिंडी बॉय। अभी तो मेरे वीडियो दे रहा था यार, अभी तो 2030। आपको क्या कैसा फील हुआ ना इसमें आके, तारीफ करें थोड़ी, मतलब कैसी यूनिवर्सिटी है? ओके, ऐसे लोग मिल गए हैं और फिर मेरा दिल किया कि वापस यूटी, लेजेंड्स लेजेंड्स भी यूटी चला जाऊं यार। हां ना, दो ना यार। मैं सोचा कि ऐसे में मेरी बड़े बड़ी जहालत होती है, बड़ी इसकी वो लोग बुराइयां करते हैं कि यहां पे सिर्फ सीटें पड़ती हैं, तो मैंने कहा इसकी इंट्रो वीडियो बनाते हैं लाइफ एड एसएमएम। अच्छा, आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल तो नहीं वैसे, मतलब फिर कभी। अच्छा एक मिनट, वैसे वीडियो तो कल एंड हो गई थी, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था, तो असल में वीडियो हम आज एंड करेंगे। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding. Close to the sun.